साथियों, आज जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, निशा समाज को आरक्षण चाहिए, ये भारत के संविधान में हमें आरक्षण मिला हुआ है। ये कोई मैं नई मांग नहीं कर रहा हूं। आज दिल्ली में निशा समाज के सभी उपजाति, बीन, बेलदार, नुनिया, मला, चाय, तियर, बनपर, सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है। आप बंगाल में जाइएगा तो वहां पे भी आरक्षण मिल रहा है। एससी का आरक्षण हमें मिला है, लेकिन बिहार में हमें ओबीसी में रखा है। वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन आरक्षण नहीं मिला। एक तो वो दोषी है जो पहले सरकार में था या आज सरकार में है, और एक दोषी आप और हम है कि अपने हक अधिकार के लिए आज लड़ाई नहीं लड़े और आरक्षण नहीं ले पाए। आज काश अगर 30-40 साल पहले इस समाज में नेता पैदा होते और मजबूती से संघर्ष करते तो आज निशा का बेटा को आरक्षण मिल गया होता। जब आरक्षण मिल गया होता तो आज हमें क्या लाभ मिलता? आज हमें लाभ मिलता, आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक भी निशा का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो आज निशा का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, लेकिन नहीं मिला। और ना ही आप लड़ाई लड़े, जिसके कारण आज आपके बच्चे मछली मारने पे मजबूर है, मामूली नौकरी करने पे मजबूर है। इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके हक अधिकार की बात कौन करेगा? इसके हक अधिकार की तो बात आप ही को करना पड़ेगा। आज बताइए ना, आज निशान समाज में बच्चा जन्म लेता है तो क्या गुनाह करता है? आज दूसरे समाज में बच्चे जन्म लेते हैं, वो बेहतर जिंदगी जीते हैं, लेकिन आपके कुल खानदान में जन्म लेते हैं तो उसको क्या मिलता है? गरीबी, परेशानी, हजारों तकलीफें, इसका तकलीफ कौन दूर करेगा? आज गरीब महिला के निषाद बच्चे उन माँ बाप के गोद में दम तोड़ देता है इलाज के अभाव में, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा नहीं है, उसको इलाज नहीं करा पाता है। इसलिए साथियों, ये संघर्ष के बदौलत आपको बदलाव लाना पड़ेगा। आज जिस देश दुनिया में जिन लोगों ने संघर्ष किया है वो देखिए कहाँ निकला है, उसका समाज कैसे आगे बढ़ा है। जैसे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग भी गरीब घर में ही जन्म लिए, संघर्ष किए, लड़ाई लड़े और संघर्ष के बदौलत अपने मुकाम को हासिल किए और अपने समाज को बहुत कुछ दिए। जब लालू प्रसाद यादव जी अपना दल बनाए तो उनके लोगों ने उनका साथ दिया, उनके समाज के लोगों ने उनको मदद किया। जब दल को बल मिला तो लालू जी 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज भी उनकी सरकार है। तो साथियों, सब पावर जो है आपके वोट में है। साथियों, पहले ऐसा हुआ करता था, आजादी से पहले राजा के घर में रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था, वो राजा बनता था, लेकिन आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र दिया। उस लोकतंत्र में बाबा साहब ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा के घर में बच्चा जन्म लेगा वही राजा बनेगा, अब जो राजा बनेगा वो अपने वोट के दम पे राजा बनेगा, अब जो राजा बनेगा अपने वोट के दम पे राजा बनेगा। जिसके पास ज्यादा संख्या होगा वही व्यक्ति राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे वो गरीब मजदूर हो या किसान का बेटा हो या निषाद मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा साथियों। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपना वोट को 200 रुपए में बेच देते हैं। जब आप अपने वोट को 200 रुपए में बेच देते हैं तो आपका बेटा राजा कैसे बनेगा? आपका बेटा विधायक सांसद कैसे बनेगा? आपका बेटा मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? जो लोगों ने अपने वोट को नहीं बेचा वो समाज देखिए कहां से कहां पहुंच गया है। आज मुझे देखिए, मैं भी एक गरीब घर में ही जन्म लिया, जहां हजारों समस्या था वही मेरा जन्म हुआ, जहां हजारों तकलीफें था वही जन्म हुआ। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, वहीं पे मेरा जन्म हुआ। अगर 4 रोज अगर मछली ना मारे तो 5वां दिन घर में चूल्हा नहीं जलता था। ऐसे गरीबी में मैं भी जन्म लिया, लेकिन मैंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, गरीबी से लड़ाई लड़ा। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को अपने घर परिवार में
अपने माँ बाप अपने रिश्तेदार के साथ रहना होता, उस उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई जैसे शहर गया, वहां मेहनत किया, वहां मेहनत मजदूरी किया, मात्र 30 रुपया रोज पर मजदूरी करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मैंने संघर्ष को बदला, मैंने अपने नसीब को बदला, मुंबई जैसे शहर में अपनी कामयाबी को झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैंने देखा, जब मुड़ के मैंने देखा पीछे बिहार, तो देखा अपने लोग, हमारे अपने लोग, रिश्तेदार, अपने परिवार के लोगों बहुत पीछे रह गया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आज भी इस धरती पर बिहार में हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, आज भी उनके घर पे जाने के लिए रास्ते नहीं है। फिर मैंने बॉम्बे के ऐशोराम की जिंदगी को छोड़ा, घर परिवार बच्चे को छोड़ा, एक समय था तकलीफ में अपने माँ बाप को छोड़ा, उसके बाद सब चीज रहने के बाद भी मैंने अपने घर परिवार बच्चे को छोड़कर आज आपके हक अधिकार के लिए पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। ये बात अलग है कि अभी हमने संघर्ष करके आरक्षण नहीं दिला पाया, लेकिन हमने कम उपलब्धि हासिल नहीं किया। पिछले 9 सालों में इस निषाद समाज को पहले 9-10 साल पहले कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, आज इस समाज को बिहार ही नहीं पूरा देश के लोग जानने पहचानने लगा, ये हमारी उपलब्धि है साथियों। आज देश के प्रधानमंत्री आज निषाद के बेटा से घबरा रहे हैं और डर रहे हैं, ये हमारी उपलब्धि है साथियों। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।